नमस्कार दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा। आज के इस वीडियो में आपको बताना चाहता हूँ कि आप कैसे अनजाने में अपने घर वालों को जहर दे रहे हैं। बिल्कुल आपने सही सुना, आप वाकई में अपने घर वालों को जहर दे रहे हैं। मैं भी जो है पहले ऐसा काम करता था, लेकिन मैंने अब ये काम बंद कर दिया है। वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। बहुत ही जरूरी बात आज आपको समझाना चाहता हूँ, और जितना जल्दी हो सके जहर देना करिए बंद, ठीक है। उससे पहले आपसे हाथ जोड़ के विनती है, वीडियो को कर दीजिए लाइक, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, ताकि जो अन्य लोग जो ऐसा काम कर रहे हैं अपने घर वालों को अनजाने में जहर दे रहे हैं, वो बंद कर दें। और एक बार जियो चैनल को करिएगा सब्सक्राइब, क्योंकि मैं होम इम्प्रूवमेंट से जुड़े हुए वीडियो लाता रहता हूँ अपने चैनल पे। और एक जो है दोस्त आपसे एक बहुत ही ज्यादा अर्जेंट विनती है, एक हाथ जोड़ के विनती है कि आप अगर कोई चीज जो है अमेजोन से परचेज करते हैं, या जो इस वीडियो में मैं प्रोडक्ट रिकमेंड करूंगा उसको आप जो है अगर अमेजोन से परचेज करते हैं, तो जो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है उससे परचेज करिएगा। इससे मुझे जो है लिटिल बिट ऑफ कमीशन जो है मिल जाएगा, ठीक है, और मुझे जो है इस चैनल को चलाने में आसानी होगी। दोस्त आज आपको बताना चाहता हूं, अपने इंडियन हाउस होल्ड में ज्यादा से ज्यादा जो है एल्यूमिनियम के कुकवेयर यूज होते हैं। उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि एल्यूमिनियम जो है हीट का बहुत ही अच्छा कंडक्टर होता है, लेकिन इसके जो है बहुत ही नेगेटिव पॉइंट भी है। एल्यूमिनियम जो है बहुत ही सॉफ्ट मेटल होता है, समझ रहे हैं आप। एक जो है छोटा सा चाकू लीजिए या चम्मच लीजिए, थोड़ा सा धीरे से ऐसे खर्चने लगी है ना, आपको पता चल जाएगा कि एल्यूमिनियम का पाउडर जो है निकलने लगा है, ठीक है। पाउडर निकलने तक तो सब कुछ ठीक है, लेकिन आगे जो होने वाला है वो बहुत खराब होता है। जब जो है अपने ये शरीर में जाता है, ठीक है, और अपने जो है बॉडी के कॉन्टेक्ट में आता है, कॉन्टेक्ट में क्या, जब जो है अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में एंटर करता है एल्यूमिनियम, तो जो एल्यूमिनियम के ऑक्साइड होते हैं वो हम लोग के नर्वस सिस्टम के लिए बहुत ही भयंकर जहर है। आप देख लीजिए, ये तमाम इसके आर्टिकल जो है लैंसेट जर्नल में भी पब्लिश हुए थे, ठीक है, और जो एक साइंस मैगजीन करके आती है उसमें भी जो है पब्लिश हुए थे, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने रिसर्च करी है कि एल्यूमिनियम जो है अपने खाने में अगर इनटेक करने लगे ना, तो उससे बहुत ही एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं अपने न्यूरो सिस्टम के लिए। तो मैं आपसे जो है विनती करता हूं कि कुकवेयर को बदलने की जरूरत नहीं है। उसमें देखिए एल्यूमिनियम कट के कैसे जाता है, जो हम लोग स्टील के जो है स्पैचुला, ठीक है, हिंदी बताता हूँ, स्टील की जो है कंचली, ठीक है, या जो है चमचा यूज करते हैं, तो उससे जो है एल्यूमिनियम कट कट के जाने लगता है। लेकिन इसका जो है एक बहुत ही जो है सस्ता सोल्यूशन है, आप जो है सिलिकॉन के स्पैचुला यूज करने लगी है, 250-300 की रेंज में पूरा कॉम्बो आ जाता है, ठीक है, जिसमें आपको दो स्पैचुला मिलेंगे, एक ब्रश मिलेगा, ठीक है। तो ये आप जो है अपने घरवालों के लिए ले सकते हैं, और उनको जहर देने से जो है रोक सकते हैं, समझ रहे। बहुत ही सस्ता जो है इंतजाम है, बहुत ही सस्ता उपाय है, इतना जरूर अपने घर वालों के लिए करिएगा। क्योंकि अगर आप ऐसे ही जो है निरंतर अगर आप जहर देते रहे खाने में, ठीक है, एल्यूमिनियम के तौर पे, तो देखिएगा आपके घर में किसी को जो है दिमाग से जुड़ी हुई बीमारियां होंगी, किसी को जो है मसल से जुड़ी हुई बीमारियां होंगी, जो कि ऐसा मैं नहीं चाहता हूं, भगवान न करे कि आपके घर वालों को किसी भी तरह की कोई बीमारी हो, ठीक है। लेकिन जो है उसके लिए कुछ मीजर्स लीजिए, कुछ स्ट्रिक्ट मीजर लीजिए। एल्यूमिनियम देखिए आप रिप्लेस तो कर नहीं सकते, क्योंकि बहुत ही जो है महंगा ऑप्शन रहेगा आपके लिए अगर उसको आप रिप्लेस करेंगे, लेकिन एल्यूमिनियम कट के खाने में आने से बचा ही सकते हैं ना। तो आप करिए ये कि सिलिकॉन के स्पैचुला यूज करने लगिए, ठीक है, बहुत ही महंगा नहीं होता है। क्लैसकिट नाम की कंपनी जो है सिलिकॉन के स्पैचुला बनाती है। मार्केट में स्पैचुला तो बहुत सारी कंपनियों के आते हैं, लेकिन वो दो पार्ट में आते हैं। स्पैचुला वाला जो सिलिकॉन का होता है मटेरियल वो अलग होता है, और उसकी जो हैंडल होता है वो अलग होता है। तो जब वैसे आप स्पैचुला लेंगे तो जब कभी धुलेंगे उसमें साबुन का पानी डालेंगे, ठीक है, और फिर उसी को सब्जी उसी से बनाएंगे या कुछ भी बनाएंगे, तो वो उसी में जो है बसने लगता है। लेकिन क्लैसकिट कंपनी में ये खासियत है कि पूरा जो है एक सिंगल मॉड्यूल में रहती है पूरी चीजें, ठीक है, जिसमें कहीं भी पानी की एंट्री, किसी भी जो है खाने की एंट्री होने के बाद उसमें कोई चीज सड़ना शुरू नहीं होती है, ठीक है। और आपको बताना चाहता हूं कि जो सिलिकॉन होता है बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर तक जो है हीट प्रूफ रहता है, समझ रहे हैं। इसका जो है मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही हाई होता है, 250-300 डिग्री सेल्सियस में, 400 डिग्री सेल्सियस में इसका कुछ भी नहीं होता है। लेकिन शर्त यह है आपको जो है इसको डायरेक्ट फ्लेम के कॉन्टेक्ट में नहीं लाना। अगर डायरेक्ट फ्लेम के कॉन्टेक्ट में आप लाते हैं तो ये जो है पिघलना शुरू हो जाएगा, लेकिन इसका हीट से कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। तो आप अपने घर वालों के लिए जो है सिलिकॉन स्पैचुला ले सकते हैं, बहुत ही जो है चीपर अल्टरनेटिव है ये, ठीक है। आप जो है पूरा कुकवेयर तो बदल नहीं सकते हैं, मैंने भी जो है पूरा कुकवेयर तो बदला नहीं है, लेकिन सिलिकॉन के स्पैचुला यूज करने से उसमें जो है अब एल्यूमिनियम का इंटेक जो है ना के बराबर होता है, ठीक है। इतना जो है आप इतने स्ट्रिक्ट मीजर लीजिए, और अपने घर वालों को जहर खिलाने से रोकिए, ठीक है। आपसे मैं विनती करना चाहता हूं कि जो आप जो है अगर ये प्रोडक्ट लेते हैं या अमेजोन से कुछ भी लेते हैं, ठीक है, तो जो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है उससे लीजिएगा, तो मुझे लिटिल बिट ऑफ कमीशन मिल जाएगा। आपको कोई भी एक्स्ट्रा
पे नहीं करना है, लेकिन मुझे इस चैनल को चलाने में जो है आसानी होगी। मिलते हैं किसी और वीडियो में। आपको आप देख लीजिए मेरे चैनल पे 2-3 वीडियो और पड़े हुए हैं, ठीक है। मैंने एक पंखे के बारे में वीडियो बना के डाला था, वो थोड़ा सही चल रहा है, लोगों को पसंद आ रहा है, क्योंकि मैंने इसमें बिल्कुल जेन्युइन बात बताई है। मुझे किसी कंपनी से कोई पैसे नहीं मिले हैं, जो भी बात है मेरी खुद की बात है, मैंने एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो है आपको बताई है, पूरा रिसर्च और ट्राई एंड टेस्ट करने के बाद आपको बात बताई है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।